अब की बार हम सही समय पर फसल बो रहे हैं और मौसम विभाग के कारण भी अब की बार बारिश सही बताई जा रही है। मैंने तो सोच लिया है अब की बार अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराऊंगा। हाँ हाँ, पिछली बार भी तुम ऐसे कह रहे थे और इस बार भी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, बूंद बूंद के लाले पड़ रहे हैं। पिछली बार भी फसल नष्ट हो गई और इस बार भी ऐसा ही होना है। अरे भगवान, थोड़ा शुभ शुभ भी बोल लिया करो। तुम्हें पता है आज मैंने पंडित जी से कुंडली दिखवाई थी और वो बता रहे थे तुम्हारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। और हाँ, मैं उसे खुशी खुशी 101 रुपया भी दे आया हूँ उसकी पूजा पाठ करने के लिए। तुम्हें पता है घर में 1 रुपये के लाले पड़ रहे हो, तुम उस पंडित को दिया है पूजा पा? अरे लक्ष्मी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ताकि घर में खुशहाली आए और सारी तंगा थोड़ी खत्म हो जाए। हाँ हाँ, रोज तो उनके घर में ईंट से ईंट बजती है, चूल्हे की रात ठंडी हो जाएगी लेकिन उनके घर की लड़ाई खत्म नहीं होती है। अगर वो इतना ही अंतर्यामी है तो अपने घर की लड़ाई क्यों नहीं बंद कर लेता? मम्मी, मुझे धूप लग रही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे लाल को खेत में मत लाया करो। अरे क्यों लाल पीरी हो रही है? कौन तेरे लाडले से काम करा रहा है? चल तू ठंड में बैठ जा, नहीं तो आज हमें रोटी भी नहीं मिलेगी। ठंड में ही बैठ रही है, कौन जाइए मती। क्यों रे मुनीम, तूने ये क्या करवा रखा है? सारा खेत सूखा जा रहा है और तूने अभी तक बुवाई तक नहीं कराई। जमींदार साहब, अब मजदूर भी हरामी हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम करा दूंगा पौवा पी के। देखो सेठ जी, उस किसान का बेटा वो बैठा है, चलो उससे पूछते हैं पौवा पी के। क्यों रे, तेरा बाप कहाँ है? सेठ जी ऐसा नहीं बताएगा, मैं पूछता हूँ उससे पौवा पी के। क्यों रे, कुछ बोलता क्यों नहीं है? समझा लेना अपने कुत्ते बाप को, आगे से ऐसी गलती ना करे नहीं तो बहुत मारूंगा पौवा पी के। चल भाई मुनीम, वो किसान खेत पर ही होगा, चलते हैं उसके पास। देखा मालिक, ये कितना बेशरम आदमी है, इससे कितनी बार कह दिया इस जमीन का पीछा छोड़ दे पौवा पी के। ओए मुनीम, ये दिन के सपने देखना छोड़ दे, दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते। मुनीम, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कई बार चेतावनी दे दे के थक गया हूँ, आज इसका किस्सा ही खत्म करके जाएंगे। ए जमींदार, अगर मेरी जमीन को किसी ने गलत नजर से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। देख के रहे, मारो साले को मारो। लगता है जमींदार इन कुत्तों को हड्डी कम डालता है। ये कुत्ते तो बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास और कुत्ते हों तो उन्हें भी जल्दी बुलवा लो। अरे खड़े हो गए, रामायण सुनने आए हो क्या? मारो साले को पुओ पी के, मारो।
रुको लक्ष्मी, जो कायर होते हैं वो पीठ पीछे सवार करते हैं। मारो साले को, और जब तक मारो जब तक इसका शरीर सांस छोड़ने से मजबूर ना हो जाए। अरे छोड़ दो कमीने, ना मत मारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कहाँ जा रही छमिया, जरा मेरे पास तो आओ पुआ पी के। छोड़ कमीने मेरा हाथ। मनीम रुको, जरा कागज लेकर आओ और इसके अंगूठे के निशान ले लो। छोड़ो मुझे। जी सरकार, मैंने कागज पहले ही तैयार कर रखा है पुआ पी के। छोड़ो इन्हें, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मारो साले को पुआ पी के। छोड़ो मुझे। क्या कहा? तेरा बेटा मेरा विनाशक बनेगा? वो खड़ा तेरा पिल्ला, बुला उसको, मैं ही खड़ा हूँ। सरकार वो तो डरा हुआ है, वो खड़ा है पेड़ के नीचे। ओए आजा अपने बापू के पास पौआ पी के। ठीक है लक्ष्मी, मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जब तेरा पिल्ला मेरा विनाशक बनेगा। आओ मुनीम जी। ओ सेठ, मुझे कसम है मेरे पति की, मैं अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी। Thank you.
मैं गलत ना हूँ लक्ष्मी, पौआ पी के। हाँ मैं लक्ष्मी हूँ, शुक्र है भगवान का जो तुम्हें याद है कि मैं लक्ष्मी हूँ। ना कोई चिट्ठी ना कोई पता, पौआ पी के। मुनीम मौत कभी पता के नहीं आती, आती है तो आई जाती है। तुम्हारा क्या मतलब, मैं समझा नहीं पौआ पी के। समझ ही जाओगे, सेठ से जाके कहना कि आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे क्योंकि लक्ष्मी आ गई है अपने बेटे को लेकर। मुझे काम से छुटकारा मिला तो मैं जरूर बता दूंगा सेठ को पौआ पी के। सरकार पौआ पी के। अरे मुनीम कुछ बताएगा अभी, क्या बात हो गई, तेरे पैर क्यों कप कपा रहे हैं? तुम यहाँ से कहीं दूर चले आओ नहीं तो तुम्हारा विनाश होने वाला है पौआ पी के। अरे मुनीम तूने कब से पीने शुरू कर दी, जो आज भी पी कर आ गया। शेर जी तुम्हें चक्कर आ जाएंगे जो अपनी बात सुनोगे पौआ पी के। ओ मुनीम पहले बात बता, बात क्या है? आज मैंने लक्ष्मी को देखा जो हमारी मौत बन के आ रही है पौआ पी के। कौन लक्ष्मी, कैसी बात कर रहा है? हाँ सेठ जी बताता हूँ पौआ पी के, तुमने उसकी जबरदस्ती जमीन छीनी थी, उसने अपने पति की लाश पर बैठकर कसम खाई थी और तुम्हें मारने की धमकी भी दी थी पौआ पी के। कोई बात नहीं आने दे, हमें भी बहुत दिन हो गए किसी का बिना सामना करें, अब मजा आएगा खेल खेलने में। मुनीम तू एक काम कर, जिन लोगों पे पैसे हैं उन लोगों से पैसे लेकर आ। ठीक है सेठ जी मैं अभी जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ पौआ पी के। देख ले से लक्ष्मी तेरी मौत बनकर आई है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे घर तक आ गई? हाँ सेठ इतनी हिम्मत। बेटा आज मेरी आत्मा को शांति मिली है, चलो चलते हैं।